कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आलिया आलिया दूध पी रही है और अपने कार्टून्स देख रही है। तो हमेशा की तरह मैं अपनी कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। मैं आज काफ़ी देर बाद अपनी मशीन से कॉफ़ी पी रही हूँ, तो मैंने इसका पानी का टैंक भर दिया है। ये रहा मेरा कप। अब चूज़ करते हैं हमें कौन सी कॉफ़ी पीनी है। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने मोका बना के दिखाई थी, लाटे कारमल है, मुझे वो नहीं पीनी। ये कचरा क्यों पड़ा है मुझे नहीं मालूम। चाय नहा रेड वेलवेट पीते हैं या रोज़ कैपेचिनो। एक्चुअली रोज़ कैपेचिनो बहुत टेस्टी है, तो आज चलो रोज़ कैपेचिनो ही बनाते हैं। इट्स वेरी टेस्टी। इस तरह के 10 कैप्सूल बॉक्स में आता है। लेट मी ओपन दिस बॉक्स। ऊपसी डेजी, एक मिनट। अच्छा, एक हाथ से करना ना बहुत मुश्किल है काम। तो मिट्टी ड्यूटी पे चले गए हैं। तो जब डब्बा खोलते हैं तो इस तरह का पैक आता है, रोज़ कैपेचिनो इंटेंसो। तो इसको हम लोग अभी कैंची से खोलेंगे। तो मैंने वो खोल दिया है, कैंची को वापस रखेंगे। तो ओके, तो अब हम वो करेंगे अपनी मशीन को ऑन ताकि इसका पानी गर्म हो जाए। अब व्हाट बेबी? ओके, आलिया ने भी देखना है। तो इसकी सेटिंग जो है ये हमने 3 पे रखनी है, तो आलिया ने भी देखना है। तो मैंने एक टैबलेट ले ली है इसकी, टैबलेट पॉड बहुत कुछ बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग साइड पे रख देंगे, ठीक है। और फिर इसमें हम डालेंगे अपना पॉड, ग्रीन आ गया मतलब पानी रेडी है। तो 3 पॉइंट्स पे रखना है हमने, 1 2 3, ठीक है। हमें हॉट चाहिए, तो ये कप मेरा नाचता है। बेसिकली मेरा जो ये कप है वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द पोर्शन ऑफ द कॉफ़ी पॉड्स। तो मैं फिर भी अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं 2 पॉड्स की बना लेती हूँ, तो फिलहाल मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। सो द कॉफ़ी इज़ रेडी। आलिया, आर यू एक्साइटेड? यस। हाउ डू यू सब्सक्राइब आवर चैनल विद थम्स अप? बस आलिया स्टॉप इट। तो मेरी कॉफ़ी रेडी है, तो डिस्पोज करेंगे टैबलेट को। आफ्टर एवरी यूज यू गाइस शुड डिस्पोज। मैंने नीचे ही आप लोगों को बताया था कि डस्टबिन रखा हुआ है। वापस से हम लोग इसका कवर लगा देंगे, ठीक है। और वापस से हम ये टैबलेट वाला डाल के बंद ऑफ जो होगी वो। तो अब मैं डालूँगी अपनी कॉफ़ी में शुगर एज़ पर माई टेस्ट। मैंने ये डब्बे वापस रखूँ क्योंकि मुझे मैसी नहीं पसंद। तो ये मैंने रख लिया है। तो आप लोगों को मालूम है मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये रहा मेरा कप। तो ये रही ये 2 शुगर टैबलेट्स मैंने अंदर डाल दी हैं। चम्मच आज मैं याद से लेकर आई हूँ। फिर इसको कर लेंगे हम लोग मिक्स मिक्स मिक्स। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे एक्चुअली में 2 ही का बना लेना चाहिए, इससे तो मुझे होश भी नहीं फिरेगी। तो लेट्स डू इट अगेन, लाइक न्यूयॉर्क, लेट्स डू इट अगेन। फिर से हम एक टैबलेट लेंगे क्योंकि मुझे बहुत कम लग रही है। फिर बताओ, मेरी तलब नहीं ख़त्म होती। ओके, 1 2 3। अगर मुझे कोल्ड चाहिए होगी तो
मैं कोल्ड भी बना सकती हूँ, ये देखो मैं उस तरफ करूँगी इंस्टेड ऑफ दिस तरफ। तो लेट्स गो, मुझे कोल्ड नहीं बनानी। तो किसी को कॉफ़ी पीनी हो एनी टाइम यू गाइस आर वेलकम, मैं आप लोगों को कॉफ़ी बना के दूँगी। बस मुझे एक दिन पहले बता दीजिएगा ताकि मैं इस कॉफ़ी के साथ दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल करके रखूँगी। तो देखो अभी मैं दो टैप डाली है तो पूरी कप भर गया है, तो हम लोग इसको टर्न ऑफ कर देंगे। पहले मैं इसको हटा दूँ। और ये मैं एवरी वीक अपनी जो कॉफ़ी है मशीन है साफ करती हूँ। अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम क्लीनिंग करूँगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो अब मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने लगी हूँ, फिर हम मिलते हैं आफ्टर दिस कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी हैं आप लोग? मुझे मालूम है मैंने आपको कहा था कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग का बताऊंगी, तो लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं स्किन केयर को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर रूटीन बताना चाहूँगी कि मैं किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। मैंने मुंह अपना धो लिया हुआ है तो अब मैं अपनी स्किन को साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं लूँगी गार्नियर का ये स्किन एक्टिव क्लेंजिंग वाटर है फॉर सेंसिटिव स्किन, एक्चुअली क्लेंजेस ये आप, मैं इसको एज अ मेकअप रिमूवर भी इस्तेमाल करती हूँ और इसको मैं क्लेंजिंग के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। साफ कॉटन लेके उसको उसके ऊपर लगा दें, ठीक है, और फिर आप जैसे ये क्लेंजिंग वाटर बहुत अच्छा है क्योंकि मैं और भी क्लेंजर्स इस्तेमाल करती हूँ, तो ये जो है मैं छोटी बोतल में ही लेती हूँ क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव भी है मेरे लिए एट द मोमेंट। ये भी क्लेंजिंग कर लिया आपने, ठीक है, ये क्लेंजिंग हो गई। तो फिर मैं दूसरी साइड भी लेके इसको अच्छे से क्लेंज कर लूँगी चेहरे को, ठीक है। फिर मैं लूँगी पिक्सी का रोज टॉनिक। मैंने आप लोगों को, मेरे पास फुल साइज़ में भी है लेकिन मुझे ये सिफोरा की तरफ से फ्री सैम्पल्स में आया था, तो पहले मैं ये ख़त्म करूँगी और फिर मैं फुल साइज़ में इस्तेमाल करूँगी। ये बहुत अच्छा स्किन टॉनिक है, कॉटन पे लें और कोशिश करें प्योर कॉटन यूज़ करें क्योंकि कुछ कॉटन्स आती हैं जिसके अंदर होता है। आलिया मैं अपनी स्किन केयर की वीडियो बना रही हूँ। थैंक्स माय लव, मुझे आलिया बहुत अप्रिशिएट करती है। और ये देखिए मैंने, और कोशिश करें ये आप अपना बैंड सर पे लगा के फिर स्किन केयर किया करें ताकि आपके पास क्लियर वो हो जाए प्ले ग्राउंड। आलिया कैंडल्स हमेशा मेरे कमरे में आके बुझाने की कोशिश करती है। हाँ ना। इतना हार्श मत अपनी स्किन के साथ है, ठीक है। और वैसे एक और क्लेंजर आता है जो एस्किनोल करके होता है, मुझे वो मिल नहीं रहा है। एक इस टाइप का भी आता है पुपो, इफ़ यू रिमेंबर, ये अभी तक है इधर, मैं ये भी इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मेरा जो क्लेंजर है वो ये वाला महंगा वाला मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये एवरीडे यूज़ के लिए होता है। इट्स रियली गुड, डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें आता है। आली लीव माई जेड रोलर। फिर अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया था जब मैंने अपना मुंह धोने गई थी तो मैंने ये विशफुल का योगलो का है, ये पाइनएप्पल एंजाइम एंड पपाया एंजाइम इसके अंदर है, ये एंजाइम स्क्रब है, मैंने उसके साथ अपना चेहरा साफ़ किया था। आपकी स्किन को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर मैं लगाऊंगी रेटिनॉल का है, एंटायर रिंकल सीरम है फेस का, ओके, इस तरह से है ये, आपको सिफोरा पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि बहुत से सीरम मैं लगाती हूँ। मेक श्योर आपके हाथ साफ़ होने चाहिए,
अगर आपके अगर आप हाथ नहीं तो आप जेड रोलर भी यूज़ कर सकती हैं। मैं ये ज़रा हाथ प्रेफर करती हूँ। जेड रोलर मैं एनीमे हमेशा ऑलिव्स नहीं मामा, ये जो इनका सीरम, ये एंटायर रिंकल मैंने अपनी आलिया वेट मैंने अपनी स्किन पे एंटायर एजिंग एट द एज ऑफ 26 मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने अपनी स्किन को उस वक्त फ्रीज कर लिया था। आज मैं 34 की हूँ और मेरी स्किन हैंग ऑन अभी तक भी अच्छी है। तो मैंने अपना जेड रोलर धोया हुआ, यस। तो फिर ये क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे पे सिरप, तो ये आपको मिल जाएगा और सिफोरा से मिल जाएगा, कॉस्मेटिक स्टोर से। ये क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे पे लेकर आता है। और मेरे पास भी है आलिया, मामा आई एम मेकिंग अ वीडियो। आलिया बहुत एक्साइटेड होती है जब मैं इस तरह की कोई चीज़ें करती हूँ, उसको भी बहुत शौक है एक्चुअल में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लेती हूँ सीरम नंबर 2, ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम है, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है। ये भी ये हाइड्रेटिंग सीरम है, आपकी स्किन की हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये देखिए ये इस तरह में आता है, तो मैं इसको प्रेस करके भर लूँगी, ये देखिए। तो आई टेक इट ऑन माय हैंड। नो टीटा मामा, यस बेबी, निकल आएगा, ब्लड निकल आएगा। नहीं ब्लड नहीं निकलता बेबी, ये स्किन केयर है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्किन। हमेशा अपने चेहरे को ऊपर की तरफ, मैंने बहुत हल्के हाथ रखा है, ना इतना हल्का है ना इतना सख्त रखा हुआ है हाथों को, क्योंकि आप अपने हाथों से अपने स्किन को भी जब मैं देखिए पूरा जज्ब हो गया, ये मेरी स्किन में पूरा जज्ब हो गया। फिर उसके बाद आप ये कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कितने सीरम लगाती है। फिर आता है मैं रुशान का है मिरेकल सीरम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पोर केयर होता है, वाइटनिंग होता है और मॉइस्चराइजिंग के लिए होता है। ये आप लोगों को आराम से कोई भी स्किन केयर शॉप से मिल जाएंगी। देखिए सस्ती स्किन केयर भी आती है, महंगी भी आती है, और मैं कहती हूँ सारी स्किन केयर जो है ना आप देख दाख के लिया करें, ठीक है ना। मुझे बहुत मज़ा आता है स्किन केयर करना, ये बेसिकली मैं रात को करती हूँ और दिन में भी करती हूँ। तो आज मैंने उठ के इनके आलिया व्हाट यू डूइंग, एक मिनट। तो आप मैं दिन में भी उठ के ये करती हूँ, आज मैंने सुबह उठ के नहीं किया तो इसलिए मैं मिडिल ऑफ द डे कर रही हूँ। देर इज़ नो बेटर टाइम फॉर स्किन केयर। तो आप लोग, मैं सुबह उठ के भी करती हूँ हाइड्रेशन हाथों पे, ठीक है। ये भी एक मेरा सीरम हो गया। फिर डॉक्टर देवी का ट्रुथ ब्राइटनिंग बनाना सीरम, विटामिन सी सीरम है ये। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से खुलता है, पंप है इसका, बड़ा अच्छा सा कलर है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और इतनी रिफ्रेशिंग खुशबू है ना इसकी, क्या आप लोग की सोच है। ये के पास भी एक ऑरेंज मेडिसिन है, उसको बहुत पसंद है। आप देख रहे हो मैंने जेड रोलर, मैं जेड रोलर ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल नहीं करती, मुझे कंफर्टेबल इतना नहीं लगता चेहरे पे, लेकिन मैं एक स्टेप उसको ज़रूर करती हूँ, एक स्टार्टिंग में, एक मिडल और एक एट द एंड, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सब सही हो। और फिर एट द एंड जो मेरी स्किन पे लगता है, एट द एंड जो मेरी स्किन पे लगता है वो है ये रोशान का एलोवेरा सीरम, जिस स्किन के लिए बहुत कूलिंग होता है। तो वही मैं अपने हाथ पे लेके, और मैं हमेशा एक पंप लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत से सीरम्स लगा रही होती हूँ। कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, तो जब आप लोग स्किन केयर लेने जाते हैं ना तो आप ज़रूर पूछा करें कि सेंसिटिव स्किन के लिए क्या। मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है, शुक्र है, इट्स नॉर्मल स्किन, यानी सर्दियों में मेरी स्किन ड्राई होती है, कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी, और गर्मियों में मेरी स्किन ऑयली होती भी है, नहीं भी होती, डिपेंड करता है अगर मैं डिहाइड्रेटेड हूँ तो।
तो ये लग गए सारे सीरम। आज मैंने ये नहीं लगाया, ये भी एक टोनर है क्योंकि मैंने दूसरा टोनर यूज़ किया है वो पिक्सी वाला, तो ये टोनर मैंने आज पास किया है। फिर उसके बाद आ जाती है आई क्रीम, ठीक है, डॉक्टर डेवी की है, ये मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। डॉक्टर डेवी की आई क्रीम है, ब्राइटनिंग बनाना आई क्रीम, ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही हो गई है, तो कोई नहीं, विल थ्रो दिस वन। और हम लोग ये लगा लेंगे, ठीक है, ये वाली आई क्रीम मेरे पास है जेनिफिक यूएस का, पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस किया है कि नहीं किया। और हाँ, हमेशा अपनी आई के नीचे जब आप लोग क्रीम लगाते हैं तो इस उंगली के साथ लगाया करें, क्योंकि ये जो उंगली होती है ना, इसके अंदर इतनी हीट नहीं होती, बाकी ये तीन उंगलियों में बहुत हीट होती है, तो इसलिए आप जब लगाते हैं ना, खासकर ये सबसे सेंसिटिव एरिया होता है हमारा आँखों का, तो बहुत हल्का सा हाथ रखना पड़ता है इन पर। ठीक है, ये हो गया मेरा, सही है। तो एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन सी, क्योंकि वो वाइटनिंग के लिए होता है, ज़रूरी नहीं होता कि आप अपनी स्किन पे वाइटनिंग सिर्फ इसलिए यूज़ करें कि आप गोरे चिट्टे दिखना चाहते हैं, आपकी स्किन को इवन टोन देने के लिए भी ये यूज़ होती है। तो मैंने अपनी प्रेप कर ली है स्किन, और जैसे मैंने आपको बताया था एट दी एंड मैं एक स्टेप उसका करती हूँ, अपना जेड रोलर का, ये रहा हमारा जेड रोलर, तो लेट्स ब्रिंग दिस सर्कुलेशन। तो आप मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी स्किन केयर रूटीन, और आप लोगों को अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम ईमेल एड्रेस सब नीचे छोड़ रही हूँ, तो आप टिकटॉक पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और उस पर भी अपना इंस्टाग्राम पे भी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड स्टे सेफ एंड स्टे ब्यूटिफुल। बाय बाय।